आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको गूगल क्रोम ओपन करना है, यहाँ आपको टाइप करना है NSDL पैन, उस पर एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ NSDL ये पैन लॉगिन NSDL इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ आपका फॉर्म खुल करके आ जाएगा पूरा। यहाँ आपको एप्लीकेशन टाइप चूज कर लेना है, कौन सा आप पैन कार्ड बनाना चाहते हैं। हम नया पैन कार्ड बनाएंगे तो न्यू पैन चूज कर लेंगे। यहाँ कैटेगरी चूज कर लेंगे इंडिविजुअल, यहाँ से टाइटल चूज कर लेंगे श्री श्रीमती कुमारी। उसके बाद यहाँ लास्ट नेम या सर नेम डालेंगे, यहाँ फर्स्ट नेम डालेंगे, यहाँ मिडिल नेम डालेंगे, यहाँ एक डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, यहाँ ईमेल आईडी डालेंगे, यहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ टिक करेंगे और ये कैप्चा फिल करके सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका यहाँ एक टोकन नंबर जनरेट हो जाएगा, जिसको आप कॉपी करके रख सकते हैं आप फ्यूचर के लिए। उसके बाद कंटिन्यू विद पेन एप्लीकेशन फॉर्म इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ सबमिट स्कैन थ्रू ई साइन इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ इंटर आधार लास्ट फोर डिजिट यहाँ डालेंगे, यहाँ नाम डालेंगे, यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ फादर का सरनेम या लास्ट नेम डालेंगे, यहाँ फादर का फर्स्ट नेम डालेंगे, यहाँ मिडिल नेम डालेंगे, या मदर का नाम ऑप्शनल है। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ से सोर्स ऑफ इनकम चूज कर लेंगे, हम यहाँ नो इनकम चूज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ एड्रेस टाइप रेसिडेंस चूज कर लेंगे, यहाँ अपना पूरा कंप्लीट एड्रेस डालेंगे, यहाँ आपका कोई ऑफिस एड्रेस अगर है तो वो फिल करेंगे। यहाँ से अपना ISD कोड चूज कर लेंगे इंडिया। उसके बाद यहाँ पिन कोड डालेंगे, उसके बाद यहाँ एरिया एसटीडी कोड डालेंगे, यहाँ एक मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ एरिया कोड AO टाइप और रेंज कोड डालना होगा, तो उसके लिए आप इंडियन सिटीजन चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ अपना स्टेट चूज करेंगे, यहाँ से सिटी चूज करेंगे और सिटी चूज करने के बाद यहाँ इसको सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ देखिए ऑटोमेटिक आपका यहाँ एरिया कोड AO टाइप आ जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे और नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से अपना एड्रेस प्रूफ चूज कर लेंगे, क्या देना चाहते हैं। यहाँ प्रूफ ऑफ एड्रेस चूज कर लेंगे, इसमें भी हम आधार कार्ड देंगे, यहाँ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ इसमें भी हम आधार कार्ड देंगे, ये सेलेक्ट करेंगे। वो नीचे आएंगे, यहाँ से हिमसेल्फ हर सेल्फ चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ वेरिफिकेशन प्लेस डालेंगे, अब जहाँ से भी कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ एक फोटो अपलोड करेंगे, यहाँ एक सिग्नेचर, उसके बाद यहाँ एक अपना आधार कार्ड अपलोड करके सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ ला करके छोड़ेगा, यहाँ इंटर आधार फर्स्ट 8 डिजिट पूछ रहा है, ये आप यहाँ डाल देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, पूरा स्क्रॉल कर लेंगे, इसको बढ़िया से एक बार देख लेंगे। उसके बाद प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ ऑनलाइन पेमेंट थ्रू पेटीएम ये चूज कर लेंगे और नीचे आएंगे, यहाँ से एग्री करेंगे और प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से पे कन्फर्म कर देंगे। उसके बाद आप चाहे तो ये QR स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं, या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI किसी से भी कर सकते हैं। हम चलिए ये QR स्कैन करके पेमेंट करते हैं। यहाँ हमें ब्राउजर को बिल्कुल भी रिफ्रेश नहीं करना है, ये 1 मिनट का टाइम हमसे मांग रहा है, इसको टाइम देंगे। देखिए यहाँ मेरा सक्सेस, यहाँ स्टेटस सक्सेस हो गया है। नीचे आएंगे और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर नीचे आएंगे, यहाँ से एग्री करेंगे और ऑथेंटिकेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ OTP ऑथेंटिकेट करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, वो OTP यहाँ फिल करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू विद ई साइन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ अपना आधार नंबर फिल करेंगे और ये इसको एग्री करेंगे और यहाँ सेंड OTP के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर आपका आधार नंबर पे एक OTP जाएगा, वो OTP यहाँ फिल करेंगे और वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ रिडायरेक्ट कर देगा, देखिए मेरा यहाँ से थैंक यू यूजिंग ऑनलाइन फैसिलिटी फॉर पेन एप्लीकेशन। उसके बाद ये फॉर्म को खोलने के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका पासवर्ड रहेगा, आप चाहे तो इसको खोल सकते हैं या फिर इसको स्किप भी कर सकते हैं। चलिए आपको हम यहाँ खोल कर दिखाते हैं, डेट ऑफ बर्थ अपना पासवर्ड डाल देंगे, उसके बाद यहाँ ओके पे क्लिक करेंगे। तो देखिए मेरा यहाँ से ये पूरा एप्लीकेशन मेरा यहाँ खुल गया है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।